हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आज में आए छतरपुर मंदिर दिल्ली। आज का यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं हम चार दोस्त हैं। हम जय माता दी सभी दोस्तों, जय माता रानी, जय माता रानी। और देखते रहे प्रो व्लॉग, लोग को मजा आने वाला है। और पूरा वीडियो देखें, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी। हमारे दोस्त राज फोन को चलाते हुए, देखो कितनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। बहुत अच्छी सुविधा है पार्किंग के लिए। हमारे दोस्त अंदर नाश्ता करते हुए अब हम जा रहे हैं छतरपुर मंदिर के लिए दर्शन करने। माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसी तरह हम हर साल हर बार नवरात्रि के दिन में यहाँ पे आते हैं हम माता रानी के दर्शन करने। ये देखो यहाँ का सबसे बड़ा गेट और बहुत बड़ा ताला है यहाँ का। जा रहे हैं दोस्तों साथ, पाँच दोस्त गए हैं हमें गाड़ी के साथ। खूब इंजॉय करते जाते हैं, मजा आता है। खूब भीड़ होती है यहाँ पे, काफी रौनक, काफी सजा हुआ छतरपुर मंदिर है। यहाँ पर दिल्ली का है छतरपुर मंदिर, सुंदर और अच्छा है छतरपुर मंदिर। पहाड़ी एरिया में है, हमारे दोस्त काफी इंजॉय खुश इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं यहाँ पे। हमें बहुत ही मजा आता है हमें यहाँ पे माता रानी के दर्शन करते हैं। अब देखो हम चलते हैं अंदर, दर्शन कर सकते हैं माता रानी को, दर्शन करेंगे और पूरा वीडियो देखना, व्लॉग देखना। यहाँ पे देखो एंड भी है। ये आगे श्री माँ के दर्शन, यहाँ से नीचे जाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है माता के दर्शन। देखो इस तरह से नीचे जाते हैं हम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मजा आता है यहाँ पे। आप भी आओ यहाँ पे घूमने, बहुत ही इंजॉय करते हैं यहाँ पे माता रानी के दर्शन। अच्छे अच्छे बहुत ही, ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर। देखो यहाँ पे हम दोस्तों के साथ, हाँ दो यार यहाँ पे हम चढ़ा के अंदर जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। चेकिंग होती है यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो आज रात को करीबन 12 बज रहे हैं, तो माता रानी माता सेवा वाली की सुंदर सजा हुआ है माता रानी का पंडाल, काफी अच्छा हुआ, सुंदर भी है। ऐसा मन करता बैठे रहे माता रानी माता के चरणों में और चरणों में खो जाते हैं। Thank you.
अंदर आने बटक ग्यारह से बच्चा है बनाए रखना। हम इसी तरह आपके दरबार में आते रहें। यहाँ पे एक एक चीज बहुत ही सुंदर सजाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर है। जैसे अक्षरधाम मंदिर है, इसी तरह से ये भी इस तरह से सुंदर बनाया जाता है। और नवरात्रि की जो टाइम उसी टाइम बहुत सजा होता है। यहाँ के बाबा हैं जो उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। हमारे दोस्त संजय चट्टी रह गए, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए मेरी फोटो कम आई है। माता रानी के भजन गाए जाते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ के गुरु महाराज जी हैं, उनकी मूर्ति लगी हुई है। ये अपनी बहुत फोटो खींच रहे थे तो मेरे दोस्त से वो अलग फोटो मना कर दिया। ऐसे लग रही वीडियो अच्छी लग रही है, सुंदर है ना, उसे सोचना हुआ है। यहाँ के मंदिर से हम बाहर जा रहे हैं। ये मंदिर की एंट्री है, यहाँ से हम गाड़ी पार्किंग करके यहाँ पर आए थे और यहाँ से हम अपनी गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो हमारे दोस्त यहाँ पे आएंगे। हम मंदिर काफ़ी बड़ी है, त्रिशूल भी है काफ़ी बड़ा, यहाँ पे वो देखते हैं। यहाँ पे इधर हम जा रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, उनके बजरंगबली के दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा त्रिशूल, भोलेनाथ शंकर का त्रिशूल है। अच्छे सुंदर सुंदर यहाँ पे हमारे दोस्त आपस में एंजॉय करते हुए फोटो देख रहे हैं। हमारे दोस्त हैं दीपक, राज, संदीप, मैं हूँ। तो एक हमारे दोस्त फोन है, पांच दोस्त हैं। यहाँ पे देखो अक्षरधाम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ आके पढ़ सकते हो। ना बारी किसी दिखाई नहीं दे रहा फोन में। हमारे बजरंगबली की फोटो है, मूर्ति काफ़ी बड़ी 30 फुट की जो मूर्ति है, अब उसके पास हम दर्शन करने जा रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे अपनी पार्किंग में, हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ से हम अपने घर जाते हुए अब यहाँ से जाएंगे हम कालकाजी मंदिर के दर्शन करने माता रानी के। तो चलो माता रानी के दर्शन करते हैं। जय कालका मैया की जय। और आपको सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो और आपको बहुत खुशियाँ मिले माता रानी की। जय माता रानी, जय कालका मैया की जय।